भोपाल कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसी दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। जब उन्हें परेशान किया जा रहा था तो नरेंद्र तोमर जी को भी मैंने शामिल किया। हमने कहा भाई क्यों परेशान किया, ग्वालियर में, दतिया में और बबरा में, भिंड में, मुरैना में और गलत लोगों को फंसाया गया था। तो इस तरह से इन्होंने इस तरह का मुद्दा खड़ा कर दिया, जाति एक जाति की दीवार खड़ी हो जाए और जिस तरह से हिंदू मुसलमान का झगड़ा किया उस तरह से जाति झगड़ा है आपने मुस्लिम महिलाओं की बड़ी फिक्र है कि 3 तलाक बंद किया जाने शोषण हो रहा, तो हिंदू महिलाओं का भी आपको बराबरी की ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से बुरी करके उसका विरोध मैंने पूरे देश के स्तर पर किया और इनका एक बाबरी मस्जिद जैसा एजेंडा बनते बनते रह गया, उसका दोषी मुझे समझा क्योंकि अंदर की आवाज। और कई स्थानों पर ऐसा प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में और मैंने कई बार संसद में कहा कि ये जो आपने कहा था सबका साथ सबका विकास, इसका क्या था? आपने भर्तियां बंद कर रखी और दर्जनों बार निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए हमने बिल पेश किया संसद में, कोई एक बार चेक कर सकता है? तो ये कोई कहे कि भारतीय जनता पार्टी में रहकर के आज इस तरह से बोल रहा हूं, लगभग इसी तरीके से समझ में बोलता है, जो गलत था, जो सही है वो सही है। तो मुझे इतना नहीं मालूम था, इतना घमंड है, क्योंकि मुझे भी अपनी थोड़ा बहुत अपनी ताकत का एहसास था कि पूरे देश का समर्थन चाहिए तो इन्हें टिकट देना पड़ेगा। और टिकट मेरा लेने का मकसद कोई स्वयं की स्वार्थी के लिए नहीं, मैं कमिश्नर खुद सब नहीं करती हूँ, सिर्फ कमिश्नर इनकम मैं स्ट्रीट